Hello class 10, today we will be discussing about the chemical properties of metal. Students, we have to study the reaction of metals with air, with water, with acids and some other salts. Okay. So let us start with air. You know what happens when metals are burnt in air? Metals combine with oxygen to form metal oxides. Almost all metals combine with oxygen to form metal oxides. So the syntax of the reaction will be metal plus oxygen. That is reaction in air jo hum pad rahe hain. एयर में बेसिकली हम ऑक्सीजन को ही बर्निंग के लिए आप जानते हैं एयर में जो है ऑक्सीजन ही जो है सपोर्टर मटेरियल है तो इसलिए रिएक्शन विद एयर जब कहेगा तो हम सिर्फ एयर में वैसे बहुत सारे गैसेज हैं बट इसमें से हम सिर्फ ऑक्सीजन क्यों ले रहे हैं हमेशा हम ऐसा ही करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन ही सपोर्टर ऑफ कंबशन है बर्निंग के लिए ऑक्सीजन ही तो मेटल को जब भी हम जलाएंगे मींस ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा मेटल ऑक्साइड्स अब आप इसके एग्जांपल्स देखिए कॉपर है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा कॉपर ऑक्साइड एल्युमिनियम है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड ओके सो डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन Recall from chapter 2 how copper oxides react with hydrochloric acid. We have learned that metal oxides are basic in nature, but some metal oxides such as aluminium oxide, zinc oxide, etc. show both acidic as well as basic behavior. Such metal oxides which react with both acids as well as bases to produce salt and water are known as amphoteric oxides. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं द मेटल्स मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर एसिड या बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके अगर कोई मेटल ऑक्साइड सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड एम्फो मतलब दोनों बोथ जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी रिएक्ट करें और प्रोडक्ट क्या दे वही सॉल्ट एंड वाटर तो ये एक कॉमन सी चीज़ है तो कई बार पूछता है व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं देखिए डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड ऑक्सीजन उसमें जो अलग अलग मेटल्स हैं वो कैसे क्या करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हैं मेंशन आप देखिए सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन So they are kept immersed in kerosene. ये भी question आता है Why are sodium and potassium kept immersed in kerosene? तो इसलिए क्योंकि ये vigorously burn करता है और ये fire बहुत जल्दी पकड़ लेता है इसलिए इसको kerosene तेल के अंदर में डुबो करके रखा जाता है Surfaces of magnesium, aluminium, zinc, lead are covered with a thin layer of oxides. Which prevent them from further oxidation. जो मैग्नीशियम अलमोनियम जिंक और लेड वगैरह है इनके जो सरफेस होते हैं वो कवर्ड होते हैं थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड्स ठीक है क्योंकि वो फिर फर्दर ऑक्सीडेशन में ना चले जाएँ इसलिए रस्टिंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रस्ट जो होता है वो आयरन ऑक्साइड का लेयर होता है और उस प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं सो आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगरसली अब कहता है आयरन को अगर आप आग लगाएं या उसको जलाने की कोशिश करें तो वो तुरंत आग नहीं पकड़ता क्यों क्योंकि उसके ऊपर वही रस्ट जो है ऑक्साइड्स की लेयर है वो बनी हुई होती है लेकिन आयरन फिलिंग्स समझते हैं आयरन के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से आग पकड़ते हैं विगरसली एकदम जलते हैं कॉपर डज नॉट बर्न बट इट इज़ कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड कॉपर को आप देखें पीले होते हैं थोड़े से लेकिन जो रॉ कॉपर होता है उसके ऊपर देखिएगा आप लेयर होता है ब्लैक कलर का
वो कॉपर ऑक्साइड का लेयर होता है। ए यू एंड ए जी, गोल्ड एंड सिल्वर, सिल्वर गोल्ड जो है ये डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। आप आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी सीरीज, उसमें हम देखेंगे कि ये ऑरम और अर्जेंटिनम जो है ये दोनों सिल्वर और गोल्ड ना के बराबर रिएक्ट करते हैं, नहीं रिएक्ट करते हैं नॉर्मली, और उसका एम्फोटेरिक ऑक्साइड का यहाँ पर पूरा डेफिनेशन दिया है, इसको आप देखिए। मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो कि हम पहले बता चुके हैं। अब देख लीजिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है तो एल्युमिनियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म कर रहा है। एल्युमिनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, वाटर वाटर है। उसी तरह से एल्युमिनियम ऑक्साइड को फिर NaOH अब बेस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो सोडियम एल्युमिनेट फॉर्म कर रहा है जो कि एक सॉल्ट है, और फिर वाटर फॉर्म कर रहा है। तो ये आपके जो पहला रिएक्शन था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, आप बुक में देख सकते हैं सोडियम एल्युमिनेट का और ये सब का पूरा। मेटल ऑक्साइड्स का इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, लेकिन जो डिसॉल्व कर जाते हैं उनको अल्कलीज बोलते हैं। सम सोडियम ऑक्साइड्स एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कलीज, और उसके भी एग्जांपल बुक में दिए हुए हैं। सोडियम ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। पोटेशियम ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, KOH बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद आइए रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। अब वाटर के साथ मेटल का रिएक्शन काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ बताया है इसने बुक में। एक एक्शन ऑफ स्टेम ऑन मेटल करके पूरा एक एग्जांपल शेयर किया हुआ है, एक्टिविटी 3.10 आप देख सकते हैं उसमें। देखिए इसका जो सिंटैक्स है, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या क्या बनाएगा, दो चीज़ें ध्यान से रखिएगा। मेटल प्लस वाटर रिएक्टेंट है, मेटल और वाटर कोई भी मेटल। दूसरा है मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर। तो मेटल जब वाटर के साथ आएगा तो बनाएगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, लेकिन मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ आएगा तो बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये एक बहुत क्रक्स वर्ड है, क्रक्स ये क्या बोलते हैं उसको, वर्ड इक्वेशन है, जिसको आप एकदम याद रखिएगा। मेटल विद वाटर विल गिव मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, क्योंकि क्या होगा, वाटर टूटता है, वाटर टूटेगा H प्लस OH माइनस में, तो ऑक्सीजन के साथ मेटल जुड़ जाएगा तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, और हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, बाहर। मेटल ऑक्साइड ऑलरेडी वहाँ पर ऑक्सीजन है मेटल ऑक्साइड के पास, तो अब जो वाटर का ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, समझ रहे हैं। इसलिए ये मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब आइए देखिए रिएक्शन क्या क्या सब दिया हुआ है। देखिए मेटल्स है, रिएक्ट विद कोल्ड H2O, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम, उसके बाद सब अलग अलग दिया हुआ है। फिर रिएक्ट करेगा ये हॉट H2O के साथ मैग्नीशियम, फिर रिएक्ट करेगा स्टेम के साथ तो एल्युमिनियम आयरन और जिंक का रिएक्शन देखेंगे इसमें। तो कोल्ड वाटर के साथ किसका रिएक्शन देखेंगे, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम का, हॉट वाटर के साथ केवल मैग्नीशियम का, स्टेम के साथ एल्युमिनियम आयरन और जिंक का। नो रिएक्शन विद वाटर, आप देख लीजिए किसका किसका रिएक्शन नहीं होगा। अभी हमने गोल्ड और सिल्वर की बात की थी, वाटर के साथ नहीं रिएक्ट कर सकता है, ना ये एयर के साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेड का, कॉपर का, गोल्ड का, सिल्वर का, ये वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट करते हैं, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू देयर सर्फेसेस। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऊपर जो हाइड्रोजन चिपका हुआ होता है वो बबल्स के रूप में बाहर आते हैं। अब देखते हैं इसको रिएक्शन के फॉर्म में। आइए देखिए, सोडियम वाटर के साथ क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बाहर जा रहा है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बाहर जा रहा है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्या कर रहा है, सिर्फ ऑक्साइड, एल्युमिनियम
हाइड्रोक्साइड नहीं, सिर्फ ऑक्साइड, ठीक है। आयरन केवल ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद अगला आता है, अब बुक में देख लीजिए सब दिया हुआ है आपके बुक में भी, बुक को भी पढ़ते चलिएगा। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज ऑफ बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सर्फेस ऑफ द मेटल। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर एंड फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो ये सारी बातें यहाँ पर हमारे पास CBSE की द्वारा भेजी गई वो इनलैंड बुक है, तो मैं उससे पढ़ा रहा हूँ आपको। बिल्कुल NCERT का निचोड़ है यहाँ पर, ये बहुत ही अच्छा मटेरियल है। और साथ में मैं NCERT बुक को भी देख के चलता हूँ कि क्या क्या वहाँ है, कुछ मिस ना करें, इसलिए आप बेफिक्र रहिए, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, उसमें भी डाइल्यूट। देखिए मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, क्योंकि एसिड के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, वही तो निकलता है, यही तो H+ आयंस देना ही तो एसिड का डेफिनेशन है अरहेनियस के अकॉर्डिंग। अरहेनियस ने जो डेफिनेशन दिया था आपने पढ़ा होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट में, तो ये हाइड्रोजन वो वाली बाहर निकलेगी। कॉपर Ag, Hg, मरकरी है, ये सब रिएक्ट नहीं करते हैं, आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए सब के बारे में। गोल्ड है, ये सब नहीं करते हैं। एग्जांपल देखिए, आयरन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, सॉल्ट, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन बाहर। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, हाइड्रोजन बाहर। जिंक, जिंक क्लोराइड बनाएगा, हाइड्रोजन बाहर। एल्युमिनियम HCl के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा, हाइड्रोजन बाहर, ठीक है। अब आइए जो सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा, वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। मेटल ए मान लेते हैं और सॉल्ट ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी है, ये इसमें क्या होता है, जो मेटल ए है इसका सॉल्यूशन बन जाएगा और जो सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट बी है वो वाला सॉल्ट के अंदर जो मेटल होगा वो निकल के बाहर चला आएगा, समझ रहे हैं आप। अब देखिए एक मेटल है ए, मान लेते हैं कि आयरन है वो, और सॉल्यूशन है कॉपर का, सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो मेटल ए क्या करेगा, जो आयरन है वो कॉपर सॉल्यूशन जो है सॉल्ट, उसके सॉल्यूशन के साथ जाके वहाँ पर वो सॉल्ट सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगा और वहाँ वो बनाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन ए के साथ, मेटल ए के साथ, और सॉल्यूशन के अंदर जो मेटल बी था वो मेटल बी बाहर आ जाएगा, समझ रहे हैं। एक ए है मेटल आयरन, फॉर एग्जांपल मैंने लिया आयरन, दूसरा सॉल्यूशन है कॉपर का, ठीक है। तो अब जो रिज़ल्ट आएगा कि आयरन का सॉल्यूशन बन जाएगा और कॉपर बाहर निकल के आ जाएगा, ये आपने पढ़ा होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। NaSO4 है और उस दूसरी तरफ मान लेते हैं कि CuSO4 है, तो सोडियम क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा एक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका मेटल उसके सॉल्यूशन में, उसके सॉल्यूशन से मेटल निकल के इसके सॉल्यूशन में, तो ये हो जाता है। यहाँ पर भी एक एग्जांपल लिया है, रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन फॉर्म। आयरन है कॉपर सल्फेट के साथ सॉल्यूशन में है, कॉपर जो है सल्फेट का सॉल्यूशन बना हुआ है, आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को निकाल देगा बाहर और खुद जाके बैठ जाएगा। इसको ऐसा समझिए कि मैं किस कोई अधिकारी हूँ और मैं अपने कुर्सी पे बैठा हूँ, और मेरे से बड़ा अधिकारी जब मेरे सामने आएगा तो क्या होगा, मैं कुर्सी छोड़ दूँगा ना, वो आके कुर्सी पे बैठ जाएंगे और मैं खड़ा हो जाऊँगा। तो बिल्कुल ऐसा है, आयरन जो है हाईली रिएक्टिव है कॉपर से, तो जब आयरन आता है कॉपर के सामने तो कॉपर जो SO4 के साथ बैठा हुआ है वो उठ खड़ा होता है और फिर कहता है सर प्लीज़ आइए, तो हैव अ सीट, तो सब सल्फेट के साथ अब आयरन बैठ गया, कॉपर खड़ा है ना। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद कल की क्लास में हम रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।